नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Turbo वर्सेस Oppo A96 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 Turbo में 6.48 इंच जबकि Oppo A96 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Note 12 Turbo में 3.02 इंच जबकि Oppo A96 4G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 Turbo से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 12 Turbo में 0.31 इंच जबकि Oppo A96 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 12 Turbo से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Turbo में 184.5 ग्राम्स जबकि Oppo A96 4G में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 12 Turbo से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Turbo में AMOLED जबकि Oppo A96 4G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 Turbo में 6.7 इंचेस जबकि Oppo A96 4G में 6.59 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 Turbo में 1080x2400 और Oppo A96 4G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Turbo में 85.79% जबकि Oppo A96 4G में 84.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Turbo में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Oppo A96 4G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 Turbo में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A96 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 12 Turbo में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A96 4G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 12 Turbo में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Oppo A96 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 Turbo में Mali G57 MC2 जबकि Oppo A96 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Turbo में MediaTek Helio G96 और Oppo A96 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 Turbo में अप टू 512GB जबकि Oppo A96 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Note 12 Turbo में Android V12 जबकि Oppo A96 4G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 12 Turbo में 3 कलर्स जबकि Oppo A96 4G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
नोट 12 टर्बो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें ओप्पो A96 4G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें ओप्पो A96 4G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 टर्बो आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 12 टर्बो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Oppo A16K है, तीसरा Moto G71 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।